Chief Minister of NCT Delhi to come and address the gathering. And I also like to take this opportunity to welcome some of the parents who have been sitting since morning to listen to him. Mr. Manish Sisodia, sir. क्या हो गया? कम्युनिकेशन की क्लास है ना? और कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है. फिर से ट्राई कर लेते हैं. नमस्कार. अभी लगा कि कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हूँ. वेरी गुड. आदरणीय चौहान साहब, एमिटी यूनिवर्सिटी के, एमिटी परिवार के तमाम जुड़े हुए अधिकारीगण और हमारे भाई सामी जी, मेरी प्रिय कलीग, पुरानी जर्नलिज्म में मेरी कलीग रह चुकी दीप्ति ससदेवा, हिमांशु जी और तमाम साथी और प्रिय छात्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. अक्सर मुझे तब बुलाया जाता है जब बच्चे पढ़ चुके होते हैं. आज शायद ये पहला मौका है जब मुझे बुलाया ऐसे मौके में बुलाया गया है जब आपको पढ़ाया जाएगा. तो अक्सर ये कहा जाता है भाई वो वाली ड्रेस पहन के आ जाओ, वो सर्टिफिकेट दे देना, अब तो पढ़ लिया, अब इनको क्या बताना है. तो शायद ये मेरे लिए खासतौर से मंत्री बनने के बाद पहला मौका है कि मुझे एक ऐसे प्रोग्राम में बुलाया गया है जहाँ मुझे कहा जा रहा है कि ये बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं, इनसे बात करो. तो ये मेरे लिए एक अलग मौका है. इस मौके पर मैं एक दो चीज़ें आपके साथ कहना चाह रहा था. मैं आपका ये शायद आपके पास भी होगा, आप में सबके पास, आप सब लोगों के पास होगा और आपकी बुकलेट भी देख रहा था. आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है जिसका निश्चित रूप से कैंपस बहुत शानदार है, जिसके निश्चित रूप से फैकल्टीज़ यहाँ का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है मुझे. मैं कई बार, मुझे पहले भी यहाँ आने का मौका मिला है और अभी जब हम इससे पहले वहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिस आपके स्टूडियो में बैठ के एक छोटी सी फिल्म देख रहे थे, उस दिन मैं पहली बार 3 अप्रैल 2011 को यहाँ मुझे पहली बार आने का मौका मिला था अरविंद केजरीवाल जी के साथ में. शायद लॉ फैकल्टी के साथ उस दिन प्रोग्राम था और वो वक्त था ठीक अन्ना हजारे मूवमेंट से 2 दिन पहले का वक्त था और हम देश भर में, बल्कि कहें कि पूरे NCR में बात कर रहे थे चारों तरफ जाके. उस वक्त तक ना हम टीवी पे दिखते थे. हाँ, मैं ज़रूर थोड़ा सा टीवी पे दिखता था, मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी उससे पहले टीवी पे दिखने वाली, लेकिन एज एन एक्टिविस्ट टीवी पे नहीं दिखते थे. पॉलिटिशियन तो दूर दूर का मतलब नहीं था. और हम लोग यहाँ आए थे कुछ लॉ फैकल्टीज़ के लोगों के साथ बात करने, कुछ और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के साथ बात करने की. एक मुझे याद है, अगर चौहान साहब आपको याद हो, वो फिल्म चलाई थी हमने अन्ना जी के ऊपर, एक छोटी सी 2 मिनट की मूवी मैंने बनाई थी. अन्ना जी को वहाँ गांव में जाके शूट किया था, उनको उनके वहाँ पेड़ के नीचे जहाँ वो रहते हैं आश्रम में, और उसको हम दिखा रहे थे. अन्ना जी का मैसेज था आम जनता के नाम कि कितना करप्शन बढ़ गया है और मैं क्यों अनशन पे बैठ रहा हूँ. ये पहली बार जब अन्ना जी का अनशन हुआ था जंतर मंतर पे, उससे पहले की बात है. मुझे तब भी ये कैंपस बहुत अच्छा लगा था, इसका एम्बियंस बहुत शानदार लगा था. और आज भी जब मैं आया तो मैंने अपने साथियों को गाड़ी में ये कहा कि यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत शानदार है. तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छी शानदार बिल्डिंग, शानदार एम्बियंस, शानदार फैकल्टीज़ वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है. पर आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी को शानदार ना बिल्डिंग बना सकती है, ना फैकल्टीज़ बना सकते हैं, ना वहाँ लगने वाला पैसा बना सकता है. उस यूनिवर्सिटी को शानदार बनाते हैं उसके स्टूडेंट्स. आपके ऊपर है, आपका एक्सलेंस. ऑफ कोर्स मैं कम्युनिकेशन के बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, आपका एक्सलेंस इन कम्युनिकेशन ये तय करेगा कि यूनिवर्सिटी कितनी शानदार है. क्योंकि जब फील्ड में जाके आप काम करेंगे और समाज में जाके आप रहेंगे, दोनों अलग अलग घटनाएं. और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, एक एक शब्द को पकड़ना सीखना पड़ेगा. मैंने 2 चीज़ें कही हैं, जब आप फील्ड में जाके काम करेंगे और समाज में जाके रहेंगे, उस वक्त ये तय होगा कि आप कितनी शानदार यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं. आपके लिखे को देखकर और आपके स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को देखकर, आपके कंटेंट ऑफ
कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन को देखकर लोग क्वेश्चन करेंगे ये बच्चे किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आपके रहने के स्टाइल को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। पड़ोस के लोग पूछेंगे आपसे कि आपके किसी नए पड़ोस में आप रहने जाएंगे, वहाँ आपके आचरण को देख के, आपके व्यवहार को देख के लोग आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं। तो असली परिचय आप और असली शानदार बात किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए यही हो सकती है कि उसके स्टूडेंट जब वहाँ से निकल के जाएँ तब उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से पढ़ के आए, अगर हमें ये तो बताओ ज़रा। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मिस्टर चौहान को जो इनपुट देना था इस तरह की यूनिवर्सिटी को बनाने में वो उन्होंने दिया। मिस्टर चौहान को जिस तरह की टीम खड़ी करनी थी इस तरह की यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वो उन्होंने की, लेकिन उससे आगे का स्टेप आपका है, स्टूडेंट्स का है। आप क्योंकि कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, दो तीन चीज़ें मैं आपसे कम्युनिकेशन के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ। और आज शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज पत्रकारिता को लेके सोशल मीडिया में चले जाइए, अखबार उठा के देख लीजिए, टेलीविज़न उठा के देख लीजिए, सबके सामने बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कश्मीर में मैंने जाके, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में आर्मी ऑफिसर्स का भी इंटरव्यू किया है, वहाँ के पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट का भी इंटरव्यू किया है और इंसर्जेंट्स का भी इंटरव्यू किया है। मुझे कभी नहीं पूछा गया कि आप देशभक्त हैं कि देशद्रोह हैं, मुझे एक पत्रकार के रूप में देखा गया। लेकिन आज शायद चर्निंग ऑफ कम्युनिकेशन के जिस दौर से समाज गुजर रहा है उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है या कम्युनिकेशन करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर डाली गई है उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आपस में भी सवाल उठा रहे हैं और समाज की ओर से भी। और फ्री एक्सेस है सबको सोशल मीडिया से लेके, ट्विटर से, फेसबुक से लेके। तो ऐसे दौर में पत्रकारिता कहाँ जाके खड़ी हो ये, और कम्युनिकेशन ओवरऑल कहाँ जाके खड़ा हो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि देशभक्ति आजकल किसी जज्बे से तय नहीं हो रही, देशभक्ति आजकल टेलीविजन की विंडो में बैठ के तय हो रही है। और देश के लिए लड़ाई आजकल सीमा पे खड़े होकर नहीं लड़ी जा रही, या कम से कम जो लड़ रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है किसी को। चिंता इस बात की है कि जो टीवी की खिड़कियां हैं ना उसकी विंडो की बाउंड्री से दूसरी विंडो की जो बाउंड्री आपस में टकरा रही है उसी में लड़ लिया जाए और उसी को बॉर्डर मान लिया जाए। ऐसे समय में हम देश में खड़े हुए हैं, हम ऐसे समय में देश में खड़े हुए हैं कि जहाँ किसी भी पत्रकार को देशभक्त या देशद्रोही कहना, एक्स पार्टी या वाई पार्टी का दलाल कहना, ये तो सब छोटी चीज़ें हैं। किसी महिला पत्रकार को फिजिकली उसको असॉल्ट करने, फिजिकली मोलेस्टेट करने के अलावा जो कुछ हो सकता है वो सब हो रहा है महिला पत्रकारों के साथ। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, जिस भाषा में उनसे बात की जा रही है, उनकी रिपोर्टिंग, उनके कमेंट्स, उनके ओपिनियंस पे जिस भाषा में उन पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं वो शायद हम में से किसी को भी अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए किसी को भी सहन नहीं होगा। हम ऐसे दौर में खड़े हुए हैं, वैसे दौर में आप लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करने आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फिर पढ़ें क्या। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ें तो जो सही है, एक कोर्स है, कंटेंट है, एक सिलेबस होगा, लेकिन सीख कर क्या जाना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा सवाल, मैं पत्रकार रहा हूँ और पत्रकार के नाते कुछ चीज़ें मेरे पत्रकार साथी भी, अन्यथा नाले निपुणिका मेरी बहुत डियर कलीग जो मेरे साथ जी न्यूज़ में काम करती रही हैं वो यहाँ हैं, आपके बीच में बैठी हुई हैं, दिखती बैठी हुई हैं, समीर भाई बैठे हुए हैं, कोई अन्यथा नाले। लेकिन आज की तारीख में पत्रकारों के मन में एक बड़ा अजीब सा डर है, सच कहने से घबराते हैं और सच कहने की जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक पत्रकार का काम बैलेंस करना है या सच बताना है? जब जब आप सच से बैलेंस की तरफ भागते हैं आप झूठ की तरफ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सच अगर इधर है और झूठ अगर इधर है और आप बैलेंस करते हैं तो आप सच से दूर होते चले जाते हैं और झूठ की तरफ चले जाते हैं, आप सही से दूर होते हैं, गलत की तरफ चले जाते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी के बारे में किसी या आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में कोई रिपोर्ट कर रहे हैं तो बस एक मनीष सिसोदिया की बाइट ले लीजिए, एक कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की बाइट ले लीजिए, एक बीजेपी के प्रवक्ता की बाइट ले लीजिए, होगी पत्रकारिता। ये बैलेंस है,
सच ये है कि आप उसके सच बताइए और सच कहने की हिम्मत दिखाइए। लेकिन अभी हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग लगभग, मैं सबको नहीं कह रहा, टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, वहाँ भी अखबार उठा के देख लीजिए, वहाँ भी एनालिटिक्स में कहीं एनालिसिस में सच दिखता है, झलक दिखती है, लेकिन लार्जली पूरी की पूरी पत्रकारिता बैलेंसिंग को बैलेंस करने में लगी है। हमको और आपको तय करना है कि इस देश को बैलेंस करने वाले पत्रकार चाहिए या सच करने वाले चाहिए। आप फैकल्टीज को तय करना है, आपके हाथ में इस देश के आगे आने वाली पत्रकारिता, कि हम दो साल और तीन साल के बाद इस संस्थान से जो पत्रकार देंगे वो वापस जाके समाज में, प्रोफेशन में बैलेंस करने की पत्रकारिता करेंगे या सच बोलने की पत्रकारिता करेंगे, सही कहने की हिम्मत जुटा के पत्रकारिता करेंगे या कंप्रोमाइज्ड एंड बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स और उनके पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की पत्रकारिता। ये बड़ी चीज है और ये सवाल आपके सामने हमेशा रहेगा, एक पत्रकार के रूप में भी रहेगा, एक सिटीजन के रूप में भी रहेगा। क्योंकि मैं आज बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो करते हैं वो सही होता है, हम जो करते हैं वो सच होता है, ऐसा आप लोगों का काम एनालिसिस करना, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकार को एक तरफ खड़े होना चाहिए, या तो सही के साथ या गलत के साथ, कहना चाहिए कि गलत है लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, उसके कुछ लॉजिक्स हैं, या कहना चाहिए कि मेरी हिम्मत है और मैं सही के साथ खड़ा हूँ और ये सही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सही है, मेरी पत्रकारिता कह रही है कि सही है। ये दूसरी चीज, एक जर्नलिस्ट में हम अक्सर बात करते हैं, आपके फैकल्टीज उस पर खूब चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, दो बेसिक क्वालिटीज जिसकी हम बात करते हैं कि करेज होना चाहिए एंड जर्नलिस्ट हैज टू बी इंटेलिजेंट एनफ, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहता हूं जो होनी चाहिए, साहस और प्रतिभा के साथ साथ, वो है लव, अफेक्शन टू द पीपल फॉर होम वी आर वर्किंग, अफेक्शन टू द पीपल, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर किसी झुग्गी में झुग्गियों को टूटते हुए देखकर आप सिर्फ इतनी रिपोर्टिंग करते हैं कि साहब ये तो झुग्गी 20 साल पहले एंक्रोच करके बनाई गई जगह पे थी, और आपको उन छोटे छोटे बिलखते बच्चों पर जो 20 साल मतलब 5 साल का, 4 साल का, 10 साल की उम्र से वहाँ रह रहे हैं, और उनकी माँओं पर, उनके पिताओं पर, उनसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होता, आई एम नॉट ऑलवेज सेइंग कि उनको वहीं रुकवाने के लिए कोशिश करिए, दैट्स नॉट योर जॉब, बट उनका भी एक सच है, यू हैव टू लव टू द पीपल, लोगों से प्यार करना होगा, समाज से, प्रकृति से प्यार करना होगा। जिस पत्रकार के अंदर लोगों से और समाज से प्यार नहीं होगा, वो माफ कीजिएगा, वो अच्छा राइटर हो सकता है, अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, अच्छा पत्रकार नहीं होगा। उसके अंदर लोगों के प्रति प्यार होना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि देश से प्यार करने का मतलब भारत माता के नक्शे से प्यार करना नहीं होता है, देश से प्यार करने का मतलब ये होता है कि हम भारत में रहने वाले लोगों से प्यार करें। अगर भारत में रहने वाले लोगों से प्यार नहीं कर पाते तो फिर हमारा राष्ट्रवाद फर्जी है, हमारा राष्ट्रप्रेम फर्जी है, फिर हमारा बॉर्डर प्रेम है वो राष्ट्रप्रेम नहीं है, वो देशभक्ति नहीं है, बॉर्डर भक्ति है, बॉर्डर्स की अपनी महत्ता है। अगर हम तिरंगे से का सम्मान करते हैं और उस तिरंगे के नीचे सारे जनगण मन को लूटने में लगे हुए हैं तो फिर हमारा राष्ट्रवाद और तिरंगा प्रेम फर्जी है। मेरी राय में एक व्यक्ति जो बॉर्डर पार करके इंडिया में इंफिल्ट्रेट करना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, ड्रग्स का कारोबार करना चाहता है, वो भी उतना ही बड़ा देशद्रोही है, और साथ साथ एक व्यक्ति जो रक्षाबंधन के दिन बहन और भाई के प्यार के बीच में क्या मिठाई होती है, घेवर, देखो कोई बोलता नहीं है, सबको पता है, रक्षाबंधन के दिन बहन और भाई के प्यार के बीच में आने वाले घेवर में मिलावट कर देता है, मैदा मिला देता है खोए की जगह, वो भी मेरी राय में बहुत बड़ा दोस्त है। जो आदमी
जो आदमी नापतोल में राशन में चोरी कर लेता है, गरीब आदमी को मिलने वाले चीनी के में आधा किलो की बट्टा मार देता है, मेरी नजर में वो भी बड़ा देशद्रोही है। वजह है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में देश सिर्फ कागज पे खिंची हुई लकीरें नहीं है दुनिया के नक्शे पर। मेरी नजर में देश उस देश में रहने वाले लोग हैं। अगर आप उस देश के लोगों को अपना नहीं समझ सकते, अगर आप इस देश के लोगों को प्यार नहीं कर सकते, आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं उमड़ता, तो फिर आप देश के लोग नहीं हैं, आप देश प्रेमी नहीं हैं। फिर आपको अपने को देश प्रेमी करना बंद करना पड़ेगा। आज देश प्रेम की परिभाषा है, मैं रोज टीवी पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ एंकर्स और कुछ डिबेटर्स बाकायदा वहीं पर सारा मामला तय कर देंगे भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन अगर हम एक बार मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं, एक बार अपनेपन के साथ खड़े हो जाएं, फिर देखिए देश कैसे खड़ा होता है, फिर राष्ट्र खड़ा होता है, लोगों के साथ खड़ा होता है। हमारी सारी राजनीति उसी को लेकर, हम पे बहुत बार आरोप लगता है, आप तो हमेशा डाउन टू डाउन की बात करते रहते हैं, आप हमेशा गरीब लोगों की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनके भी। मेरा मानना है कि मेरी सारी राजनीति से अगर किसी एक गरीब बच्चे को ठीक से पढ़ाई मिल गई जिसके माता पिता की हैसियत नहीं थी, मेरा राजनीति करना सफल हो जाएगा, तो दुनिया में राजनीति। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पत्रकारिता करते हुए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो साल आपके, तीन साल आपके वक्त है, खूब चर्निंग करिएगा जो मैंने कहा उसको। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी फैकल्टीज से कि मेरी सारी बातों को खारिज करने के लिए डिबेट करिएगा। कहिएगा कि आदमी जो आज आया था इंडक्शन के समय पे, ये गलत कह के गया था, झूठ कह के गया था, उसकी बातों में दम नहीं था, और फिर बहस करिएगा। ना मानने के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को मान लीजिएगा, आपके पास तीन साल का समय है, मेरी बात को ना मानने के लिए क्लासरूम में बहस करिएगा, पूरी की पूरी क्लास एकजुट होकर कहिएगा कि इस आदमी की बात को आज हम गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता अगर करनी है, तीन साल तक की चर्निंग करके सोचिए कि आपको किस समाज के लिए करनी है, किस देश के लिए करनी है, ह्यूमैनिटी के लिए करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि आपकी उपलब्धि, इसीलिए मैं उठा के लाया ये आपका, आपकी उपलब्धि इसमें, इस बात में नहीं है जीवन में कि आपके हाथ में कितना महंगा कैमरा होगा और आपके कैमरे से खींचे गए हुए किस फोटो को दुनिया की किस एग्जीबिशन में कौन सा अवार्ड मिलेगा, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि ये नहीं है कि आपके हाथ में जो यहाँ माइक होने वाला है वो कौन सी ब्रांड का होगा, कौन सी टीवी कंपनी का होगा, आपकी उपलब्धि जिंदगी में वो नहीं है। आपकी उपलब्धि जिंदगी में वो है, क्योंकि माइक आपका बदल जाएगा, ये कैमरा आपका बदल जाएगा, इस कैमरे से खींची हुई तस्वीर का आपको आप किसी एग्जीबिशन में भेजेंगे, आप इस साल अवार्ड जीतेंगे, अगले साल कोई और जीत लेगा, ये सब हमेशा टेंपरेरी रहेगा। जो परमानेंट रहेगा आपके साथ उपलब्धि के रूप में, आपकी पत्रकारिता का इंपैक्ट रहेगा। आपकी एक छोटी सी स्टोरी से किसी आदमी के जीवन में क्या बदलाव आता है, वो आपकी कमाई है, और उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, दुनिया का कोई कॉम्पिटिशन उसमें आपको नहीं छीन सकता। और ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि जब मैं जर्नलिज्म में था मेरे अंदर हमेशा ये क्वेश्चन होता था, क्योंकि मैं पत्रकारिता करने जाता था वहां, या हम न्यूज रूम में बैठ के स्टोरीज लिखते थे, वहां भी हमेशा एक सवाल होता था, यार स्टोरी तो कर दी, अब क्या स्टोरी कर दी, अब क्या दूसरी करो, पहली वाली का क्या हुआ, वो तो एयर होगी, अब क्या करें। तो जो सेंसेशन, दो घटनाएं घटती हैं जब आप स्टोरी कर रहे हैं, एक आप उस स्टोरी को जीते हो और साथ साथ उससे सेंसेशन क्रिएट करते हो, सेंसेशन एयर में चली गई और जो स्टोरी को हमने जिया वो हमारे अंदर मर गई। क्यों? क्योंकि आपको आधा घंटे बाद कह दिया गया अगर आप न्यूज रूम में बैठे आप दूसरी स्टोरी कर लो, वो तो होगी, वो तो एयर पर चली गई, या आप किसी असाइनमेंट पे गए हैं वो वाला ब्लास्ट तो हो गया, 37 लोग मर गए थे चट्टी सिंहपुरा में, अब तो दूसरी स्टोरी करो, वापस आ जाओ दिल्ली, वापस आ जाओ, बहुत हो गया कश्मीर, दिल्ली वापस आ जाओ, बहुत हो गया नागालैंड, हो गया, अब आप बिजनेस पे स्टोरी कर लो, अब वापस करो। बदला क्या, ये बात मैं बहुत बार सोचता था कि, और इसीलिए शायद मैं ऐसा कोई बहुत, मैं ठीक ठाक पत्रकारिता कर रहा था, ठीक ठाक मेरे चैनल में मेरी इज्जत थी, उसके बावजूद अगर मैं बीच में स्विच करके गया तो मेरे अंदर का वही सवाल मुझे लेके गया कि मैं
एक फिक्शन नॉवल राइटर जैसा हो गया। मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, वो वाली मोटी वाली लिखता है, मैं एक छोटी सी लिखता हूँ, डेढ़ पन्ने की स्टोरी, दो कॉलम की स्टोरी, और मेरी जिंदगी का लक्ष्य एक फिक्शन नॉवल राइटर जैसा रह गया कि मैं किसी के लिए स्टोरी लिखूंगा, कोई मेरी स्टोरी पढ़ेगा या देखेगा, उसकी जिंदगी में कोई सेंसेशन पैदा होगा, उसके बाद खत्म। वो परिस्थिति कैसे बदलेगी? वो नागालैंड में जो बच्चे में देख के आया था उनकी हालत कैसे बदलेगी? कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो मारे गए लोग उनके परिवारों का क्या होगा, कैसे जिएंगे? उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? वहाँ एक पत्रकारिता की पत्रकार की सीमा आ जाती है, वहाँ से आगे शायद समाज, राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब की जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगा कि मेरा काम वहाँ तक, मुझे हमेशा लगता रहा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, मुझे लगा अभी तो बदलाव नहीं हुआ, फिर मैं दूसरी स्टोरी पर चला गया, फिर तीसरी पर, लुक बैक करता हूँ तो अकेले पाता हूँ, तो इसलिए मैं दूसरी स्टोरीज पर गया, माने दूसरे उसमें गया, मैं आंदोलन में आया, आंदोलन से राजनीति में आया, अभी तक राजनीति में है, जब तक लगेगा राजनीति में कुछ बदल सकता है तब तक राजनीति में रहेंगे, जिस दिन उम्मीद ही खत्म हो गई कि राजनीति से कुछ नहीं बदल सकता, शायद कुछ और तलाश करेंगे। तो कहना मैं आपको ये चाहता था कि उपलब्धि ये नहीं है, उपलब्धि वो है कि आपकी किसी स्टोरी के दम पर किसी की जिंदगी में आया हुआ बदलाव, किसी की जिंदगी में आया हुआ जरा सा एलिवेशन, वो आपको ताउम्र साथ रहेगा, वो ताउम्र आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो ताउम्र आपके साथ गर्व करता है रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके किसी एक फोटो पे आज आप एक अवार्ड जीतते हैं, उसका मैक्सिमम टेन्योर एक साल, क्योंकि अगले साल किसी और को अवार्ड मिल जाएगा, उसके बाद ये सापेक्ष कंपैरेटिव है। इंटरनल जो है वो कॉन्फिडेंस अपनी पत्रकारिता से अगर हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वो शायद एक एक स्टोरी का निकला हुआ आत्मविश्वास हमारे साथ पूरी जिंदगी रहेगा। मैंने वो स्टोरी की थी उससे वो बदलाव आया था, मैंने वो स्टोरी की थी उससे वो बदलाव आया था। वो चाहे अवार्डेड हो या ना, वो चाहे हेडलाइन बनी हो या ना बनी, वो चाहे लास्ट स्टोरी हो या पहली हो, पहले पन्ने पर छपी हो या आखिर पन्ने पर छपी हो, स्टोरीज मेरे पत्रकारिता से मैं क्या बदलाव लाने में कामयाब रहा। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी पत्रकारिता को खासतौर से जरूरत है बहुत क्रिटिकल होकर देखने की, और हमारे मुल्क की एक बड़ी प्रॉब्लम है शमी भाई कि हम क्रिटिकल नहीं है, हम फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी बन गए। अशोक जी अभी बड़ी तारीफ कर रहे थे मुल्क की, लेकिन मुझे लगता है मुल्क की तारीफ के साथ साथ हमें थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना चाहिए अपने मुल्क को लेकर, अपने समाज को लेकर। हमारा मुल्क बहुत महान है, बहुत अलग तरीके की महानताएं हैं इसमें जो दुनिया में नहीं देखने को मिलती हैं, तभी हम इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी दुर्घटनाओं के बावजूद हम सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो कम से कम पत्रकार को, क्योंकि पत्रकार के हाथ में वो कहते हैं ना, पत्रकार वो किसान है जिसके हाथ में वो खुरपी है जिसको खोदना है ताकि वहाँ नई फसल उग सकेगी समाज में, पत्रकारिता का काम वो है, आपको खुरेचना है। वो क्या है? वो कि हमारी सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका सारा का सारा बैकवर्ड लुकिंग है। हम चालीसाओं में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, हम चालीसाओं के सहारे जिंदगी चलाना चाहते हैं, और एक पत्रकार के नाते दो तीन साल, आप फिर मैं कह रहा हूं कि इसको खारिज करने के लिए बहस कीजिएगा कि आदमी गलत कह के गया, लेकिन मैं कहूंगा कि हम चालीसाओं में जीने वाले समाज बन गए। उसका एक उदाहरण देता हूं, और अक्सर मैं देता हूं अपने इस तरह के डेलिवेशन में, हम कहते हैं शून्य की खोज हमने की थी, ऐसा है? 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, हम बहुत खुश होते हैं। आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले शून्य की खोज की थी, उसके बाद 1500 साल हमने क्या किया? गाना गाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, हमने गाना गाया उसका, हमने वो शून्य का इस्तेमाल नहीं किया। एक क्रिटिकल चीज बोल रहा हूं मैं आपसे, और आप सोच के देखिएगा सही है कि गलत है। हमने शून्य की खोज का गाना गाया 1500 साल अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में, और फिर मनोज कुमार जी ने गाना गवा दिया महेंद्र कपूर से, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। उसके बाद तो हम दुनिया भर को कहने लगे, साहब हम वो मुल्क हैं जिसने शून्य की खोज की थी। आज अमेरिका और यूरोप के लड़के, वहां के कॉलेज से निकले हुए लड़के और लड़कियां हमको बता रहे हैं कि हम वो मुल्क हैं जिसने शून्य का इस्तेमाल किया था। अमेरिका यूरोप के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए, आईटी कॉलेज से निकले हुए लड़के और लड़कियां, उसी जर्मनी से, वहां से निकले हुए लड़के और लड़कियों ने, इंजीनियर्स ने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया उसे शून्य में सजा के, यूज कीजिए इसको। और हम क्या करें? अभी भी गाना गा रहे हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती है।
चालीसाओं में मत रहिए। एक पत्रकार के नाते, एक लीडर के नाते, एक टीचर के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस समाज को अतीत के गुणगान से बाहर लाएं। ये अतीत के गुणगान में हमारा समाज फंस गया है। किसी फिलोसफर ने बड़ी सही बात कही थी इस दिशा में। उसने कहा कि कोई भी सोसाइटी आगे तभी बढ़ सकती है जब वो ड्राइविंग रूल से चलेगी। ड्राइविंग रूल क्या होता है? ड्राइविंग रूल गाड़ी को चलाने का ये होता है कि आपके गाड़ी के, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे देखने वाला जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो बड़ा होता है और पीछे देखने वाला जो होता है वो छोटा होता है कि नहीं? उल्टा करके सोचिए, अगर पीछे देखने वाला शीशा आगे बड़ा लग जाए और आगे देखने वाला शीशा पीछे देखने वाले के बराबर छोटा सा लग जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट रोज हो रहा है। कहां हो रहा है? सुबह अखबार उठा के देख लीजिए, सारे एक्सीडेंट की खबरें थी। कहां बलात्कार हुआ, कहां दुर्घटना घट गई, किसने सुसाइड कर लिया, किसने रेप कर लिया, किसने नौकरी छोड़ दी, किसने नौकरी से निकाल दिया, ये सब क्या है? ये वो दुर्घटनाएं हैं जो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अपने समाज में अतीत के गुणगान को ज्यादा तवज्जो दी है। हम बड़े महान थे जी, अब आगे तो बढ़ो, इस महानता के लिए कुछ आगे तो करो। आगे नहीं करेंगे, आगे हम सिर्फ गुणगान करेंगे, चालीसा गाएंगे। क्रिटिकल नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। और उसकी वजह है हमारी, मैं तो सरकार में फेस कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से, सरकारें फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। किसी एक नए आइडिया को इंप्लीमेंट करने में जितना समय लगता है सरकार में, क्योंकि पूरी के पूरे एकदम कंडीशन माइंडसेट खड़ा हुआ है, जान निकल जाती है उसको कंसीव कराने में, जान निकल जाती है। क्यों? क्योंकि एज ए नेशन वी आर नॉट ए फॉरवर्ड लुकिंग नेशन। फॉरवर्ड लुकिंग नेशन बनाने की जरूरत है, आगे लेने। और उसका सबसे बढ़िया साइंटिफिक एनालिसिस फोर्ब्स की एक लाइन में मुझे मिलता है। फोर्ब्स मैगजीन है, आप लोग भी पढ़िएगा, अच्छी मैगजीन है। उसमें बिजनेस अलग अलग स्ट्रीम्स में निकलती है। बिजनेस 2005 में मैंने पढ़ा था उसके बिजनेस एडिशन में, कि एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, आपको पकड़ना चाहिए वो लाइन। उसने लिखा था कि आज से 25 साल बाद दुनिया का सबसे सफलतम आदमी जो होगा, अशोक जी बड़ी आप बिलियनर बना रहे थे ना, आज से 25 साल बाद का दुनिया का सबसे सफलतम आदमी अभी पैदा नहीं हुआ और वो जो काम करके सफल होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ। बहुत गंभीर लाइन है। आप -25 ईयर्स बैक करके देख लीजिए और कभी भी किसी भी समय में देख लीजिए, जिस वक्त हमने ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इन सब चीजों के गुणगान करने शुरू किए थे, जिन लोगों ने इनको ईजाद किया था और जिन लोगों ने इसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जब लाके खड़ा किया था, अब तो उनकी एज अलग हो गई, जिस वक्त उन्होंने इन सब और फ्लिपकार्ट ये सारी चीजें उठा के देख लीजिए, जिस वक्त इन लोगों ने इन चीजों को ईजाद करके शिखर पे लेके आए थे, इनकी उम्र सबकी 25 साल से कम की थी। इनको टॉप पे ला के वक्त वो 25 साल के नहीं थे। और जिस वक्त इन्होंने ट्विटर, गूगल या फ्लिपकार्ट या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनको ईजाद किया था, उससे 25 साल पहले उन चीजों के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं फिर से वो लाइन कह रहा हूं और आज भी लागू है, आज से 25 साल बाद इस दुनिया का, इस धरती का सबसे सफलतम आदमी जो होगा वो अभी पैदा नहीं हुआ और वो जो काम करके सफल हो रहा होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ। बहुत बड़ी चीज। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब आप लोगों के लिए है, इसका मतलब आप लोगों के लिए है कि आपको जो भी करना है नया आइडिया, अपनी उम्र और 25 साल के बीच का गैप ढूंढ लीजिए, उतने बेस में करना है, उतने दिनों में करना है। और जो काम करके सफल होना है, इन सारे टीचर्स की बात मानना, जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन सफल हो जाएंगे। सीरियसली, जब तक ये जो पढ़ाएंगे वो आप पढ़ते रहेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। जिस दिन अपने टीचर्स को कहेंगे कि मुझे आप जो पढ़ाना चाहते हैं मुझे उसमें मदद नहीं चाहिए, मैं जो खोजना चाहता हूं, मैं जो करना चाहता हूं, मुझे उसमें मदद कर सकते हैं तो बताइए, उस दिन आप सफल हो जाए। तो वो, मैं सिर्फ ये बातें भाषण देने के लिए नहीं कह रहा दोस्तों, मैं देखता हूं सरकार में, समाज में, हम सब यहीं खड़े हैं, हम चालीसाओं में खड़े हैं, हम अनकन्वेंशनल सोचने से डरते हैं, हमको लगता है कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, अब दौर चला गया, अब सफलतम इंसान होने के लिए आपको 60 साल का अनुभव होने की जरूरत नहीं है, आपको नई सोच होने की जरूरत है। और नई के साथ साथ
एक सबसे बड़ी अंडरलाइन कंडीशनिंग कंडीशन उसकी ये है कि नई के साथ साथ समाज के लिए उपयोगी सोच होने की जरूरत है। आप समाज के लिए उपयोगी तरीका निकाल के लाइए, फिर राजनीति में आके खड़े हो जाते हैं तो आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप टेक्नोलॉजी में आके खड़े हो जाते हैं तो शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप पत्रकारिता में आके खड़े हो जाते हैं, चार बातें करने के बाद आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको समाज के लिए उपयोगी, फिर से वही कह रहा, समाज के लिए उपयोगी करना पड़ेगा। समाज के जो अनुपयोगी चीजों को डस्टबिन बहुत साधारण उपलब्ध है, बहुत सुलभता से आजकल समाज को उपलब्ध है, तुरंत आदमी ड्रैग करके डस्टबिन में डाल देता है। समाज के लिए हर अनुपयोगी चीज हमको तय करना है। समाज बहुत क्रूर, हमको तय करना है कि हम समाज के तुरंत डस्टबिन वाले, मतलब समाज अपना कर्सर उठाए और हमको क्लिक करके डस्टबिन में ले जाए, या समाज हमें अनडिलीटेड अनडिलीटेबल फोल्डर में डाल दे, नॉट टू बी डिलीटेड फोल्डर में डाल के रखे, ये हमको तय करना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर मुझे लगता है कि एक पत्रकार के नाते जब आप इनको ट्रेनिंग दें तो इन सब पे चर्चा करें, इनसे इन्हें ना मानना सिखाएं, इन्हें सिखाएं कि आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको बिल्कुल भी मानना नहीं है। पत्रकार तो तभी पैदा हो, और ये गलती देखिए हमने की है, हमने इतनी गीता रटाई है अपने बच्चों को, इतने हनुमान चालीसाएं रटाई हैं, इतने मंत्र रटाए हैं, इतनी रामायण रटाई है, इसमें कम अच्छी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन हमने रटा दिया, बोले ये है बस इसको रट लो, इसका अनुवाद ये होता है और हो गया। उसमें क्या लिखा है कभी बात ही नहीं थी, उसको ना मान। जिस दिन इस देश के क्लासरूम्स में गीता को ना मानने के लिए गीता पढ़ाई जाएगी, उस दिन इस देश का बच्चा बच्चा गीता को फॉलो करने लगेगा। अभी दुर्भाग्य गीता के साथ है कि हम गीता को रटाने के लिए गीता पढ़ाते हैं, हम पत्रकारिता रटने के लिए पत्रकारिता सिखाते हैं। तो हम सबको मिलके, मैं यहां एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया हूं, इस अवसर को मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में देख कर आया हूं, क्योंकि मैं जिस समाज को मुझे लीड करने की जिम्मेदारी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत दी है, उस समाज की कुछ ऐसी जरूरतों को आपके सामने रखा है मैंने, जो शायद किसी दूसरे दुनिया के ग्रहों के लोगों की नहीं है, दूसरे भूभाग के लोगों की नहीं है, हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच से जुड़ी हुई है, हमारे परिवार की सोच से जुड़ी हुई है, हमारे पड़ोस की सोच से जुड़ी हुई है, उन सब पर हम काम कर पाएंगे तो शायद सही मायने में उपयोगी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वरना नौकरी तो सबको मिली जाएगी। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप 3 साल में यहाँ से पत्रकारिता के बहुत बुनियादी धन्यवाद।